भया दीवाना साहका, भया दीवाना साहका, भया दीवाना बोरा ना।
हर बिन अवर न जाना गया दीवाना साहका, गया दीवाना साहका। साहिब करे प्यार तो देवाना जानिए, जा साहिब तरे प्यार, जा साहिब तरे साध संग जियो। जगत गुरु बाबा तन तन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सही मायने में रब के साथ इश्क किसे है वो इस शब्द में बता रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह जी के समय में भी गुरु महाराज को पहचानने वाले गिने चुने लोग थे, नहीं तो दुनिया उनके लिए भी पता नहीं क्या क्या बोलती है, जिसका जिक्र इस शब्द में गुरु नानक देव पातशाह जी इस तरह कर रहे हैं। कोई आँखें भूत ना को कहे बेताला, कोई आँखें आदमी नानक बेचारा। गुरु नानक देव पातशाह जी को उस समय कुछ कह रहे हैं कि गुरु नानक देव पातशाह जी के अंदर कोई प्रेत आत्मा है, कोई जिन है। कुछ कहते हैं कि तू निमाना सा सीधा साधा नानक है, पर दुनिया ये भी कहती है कि नानक पागल हो गया है। पर दुनिया को क्या पता कि नानक किसके इश्क में पागल हुआ है। भया दीवाना शाह का नानक बौराना, हाँ हर बिन अवर ना जाना, नानक पागल हुआ है उस रब के इश्क में। अब गुरु नानक देव पातशाह जी से पूछे कि सतगुरु जी सही मायने में दीवाना कौन है, तो गुरु नानक देव पातशाह जी जवाब देते हैं, तो देवाना जानिए जा पै देवाना होए, एक ही साहिब बाहरा दूजा अवर ना जाने कोई। सही मायने में रब का दीवाना वो है जिसके अंदर रब के प्रति डर है, जो एक रब के सिवाय दूसरा किसी को जानता ही नहीं है। तो देवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर से आणप काए। गुरु नानक देव पातशाह जी कहते हैं कि दीवाना वो है जो उस रब की किरत को देखकर उस किरत में रब के दर्शन करे, जिसकी किरत में भी सिमरन हो, बंदगी हो, सच्चाई हो, जो रब के हुक्म को हमेशा मीठा करके माने, सही मायने में दीवाना वो है। क्योंकि साध संगतियों हमारी फितरत कैसी है कि सुख मिला है तो हमारी वजह से प्राप्त हुआ है, पर अगर दुख मिला है तो कह देते हैं कि रब्बा कौन से गुनाहों की सजा दी है, कौन से जन्म का तूने बैर निकाला है। भाई वाणी में हर सवाल का जवाब है, वाणी हमें समझाती है, ददा दोष ना देऊ किसे
दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। अगर भाई जीवन में सुख और दुख तेरे आए हैं तो तेरे कर्मों अनुसार तुझे मिले हैं। रब की जो कृत है, जो प्रकृति है, वो सबके लिए एक जैसी है। जो रब के हुक्म को हमेशा मीठा करके माने, इस तरह अरदास करे, जे सुख देता तुझे अरादी, दुख भी तुझे दे आई। जे भुख देहता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। इस तरह अगर किसी के मन से अरदास निकल रही है तो समझ लेना कि सही मायने में वो रब का दीवाना है। पर सबसे बड़ी बात कि असल में जो रब का दीवाना है उसके अंदर बदलाव क्या आता है, तो गुरु नानक देव पातशाह जी जवाब देते हैं, तौ दीवाना जानिए जा साहिब धरे प्यार। उसका प्यार केवल एक मालिक के साथ होगा, दूसरा किसी के साथ नहीं। साध संगत जियो, अपने जीवन के सभी फर्ज निभाते हुए इंसान अगर रब के साथ प्रीति जोड़ ले तो रब का दीवाना है। फिर उसके अंदर बदलाव क्या आता है कि मंदा जाने आपको अवर भला संसार। उसके मन में हमेशा एक ही अरदास निकलती है कि रब्बा मैं सबसे बुरा हूँ, मुझे छोड़ के सारा संसार अच्छा है। भगत कबीर जी कहते हैं कि जिसके अंदर ऐसी निर्माणता, ऐसी निम्रता आ जाए वो ही रब का दीवाना है। भगत कबीर जी का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। तो देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंद जाने आपको अवर भला बोरा।